हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज यूनिट 8 रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। व्हाट डू यू नो अबाउट रेशोस? रेशो व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय द रेशो, दैट इज कॉल्ड रेशो। दैट इज मींस हम रेशो क्या होता है? अ रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट। मींस हम टू क्वांटिटीज को रेशो में फाइंड करते हैं, और वो भी कैसे? सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स। मींस उनकी यूनिट्स मेनली सेम होनी चाहिए। अगर उनकी यूनिट्स डिफरेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी हमें यूनिट सेम करनी होगी, उसके बाद ही हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। द रेशो ए इज़ टू बी इज़ इन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी। मींस ए इज़ टू बी इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज ए अपॉन बी। ओके, एंड जो आपका रेशो होता है ए इज टू बी, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर ए, द रेशो ए इज टू बी वी कॉल ए द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। मींस जो फर्स्ट टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट मींस वन, आपका एक ही मींस है, एंड बी द सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, दिस इज योर बी, द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ओके, फर्स्ट टर्म इज ए, और ए आपका फर्स्ट टर्म भी हो सकता है और एंटीसीडेंट भी बोल देते हैं, और बी द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ओके, नाउ द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपको जो रेशो इज गिविन है इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में किस पैटर्न से कन्वर्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब जो क्वेश्चंस गिविन है इसे अपॉन में फॉर्म में लिखेंगे, 24/40। अब चेक कीजिए दोनों नंबर किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं। तो दोनों नंबर देखिए 8 से क्लॉप्स हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 24/40 डिवाइडेड बाई 8, एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। अब आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3/5, दैट इज 3:5। ओके, तो सो वी राइट एज दिस, 24/8/40/8 डिवाइड करा आपने, तो आंसर इज 3/5। इसे आप रेशो में लिखेंगे आप 3:5। ओके, नाउ इज द सेकेंड पॉइंट, 13.5:15। अब आप यहाँ देखें तो पॉइंट में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे, और पॉइंट रिमूव कैसे करेंगे, दिस कि पॉइंट रिमूव करके इंक्रीज कर लिए, 135/115। दोनों नंबर किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं? 5 से, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे, देन वी आउटकम्स 27/30। These numbers are again divided by 3. तो 9/10, 3 से डिवाइड करिए 27 है, 3 9 जो 27, 3 10 जो 30, सो 9/10। देन 9/10 कन्वर्ट इन टू रेशो, दैट इज 9:10। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दिस। आप देखिए इसमें अपॉन में ऑलरेडी गिविन है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, एलसीएम करा 2, देन जो भी न्यूमरेटर है यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 5 2 10, एंड 9 एज इट इज। नाउ वी राइट एज 8:10:9। आगे ये तीनों नंबर्स किसी टेबल से क्लॉप्स नहीं हो रहे, तो यहीं ड्रॉप आउट कर दीजिए, आंसर इज 8:10:9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो यूनिट सेम नहीं है, या यूनिट सेम है बताइए? यस, यूनिट सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो वी राइट एज 75 पैसे 3 × 100 पैसे। नाउ वी राइट एज 75:100 300। अब देखिए दोनों नंबर्स किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं,
फाइव से क्लॉप्स हो रहे हैं, यहाँ क्लॉप्स कर दिया मैंने थ्री से, सॉरी 25 से, डायरेक्ट 25 से क्लॉप्स कर दिया मैंने, 25 थ्री जै 75 एंड 25 से इसमें डिवाइड करेंगे आप, 25 वन जै 25 एंड 25 टू जै 50, दैट इज 3:12। अब देखिए अगेन 3:12 किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, थ्री से, तो थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री वन जै 3 एंड 3 4 जै 12, तो रेशो क्या हो गया आपका 1:4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 1 hr 5 minutes is to 45 minutes। तो आप क्या करेंगे यहाँ, पहले आर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, हाउ मैनी मिनट्स इन वन आर, हाउ मैनी मिनट्स इन वन आर, दैट इज 60। सो वी राइट इज दिस, 1 multiply 60 plus 5 minutes is to 45 minutes। तो आपने यही करा सबसे पहले कि जो 1 hr था उसे मिनट में चेंज कर दिया, 1 into 60 plus 5, देन वी राइट एज दिस 65:45। दोनों नंबर्स किसी एक टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, यस, किससे हो रहे हैं क्लॉप्स, 5 से, 5 का डिवाइड कर दीजिए, 13:9। अगेन नंबर्स क्लॉप्स हो रहे हैं किसी टेबल से, नहीं हो रहे, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, 2 kg 250 g is to 3 kg। यहाँ भी आप पहले सभी नंबर्स के यूनिट सेम करेंगे, सो वी कन्वर्ट इन ग्राम, वी राइट एज 2 multiply 1000 plus 250 is to 3 multiply 1000, देन वी राइट एज 2225 is to 3000। अब यहाँ चेक कीजिए, देखिए 0 and 0, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, तो रिमेनिंग इज 225 is to 300। अगेन दोनों नंबर्स किसी एक टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, किससे, 5 से 25 से, बहुत नंबर हैं जिनसे क्लॉप्स हो सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले 5 से क्लॉप्स करा, देन अगेन 5, देन 3, ओके, देन 3/4, नॉट क्लॉप्स एनी अदर नंबर्स, सो आंसर इज 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ a:b = 7:5 and b:c = 9:14, फाइंड द a:c। आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, a:b की वैल्यू गिवन है, a:b दैट इज मीन्स a/b = 7/5 एंड b/c = 9/14, यही कहा है, ऐसे ही हमने राइट डाउन करा सबसे पहले। अब आप क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना था यहाँ से, a:c, तो आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे इन्हें सबसे पहले, तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, a/b (b/c) = 7/5 (9/14। अब जो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स आपके क्लॉप्स हो रहे हैं उन्हें क्लॉप्स कर दीजिए, b:b क्लॉप्स हो गया आपका, देन 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, a/c = 9/10, ओके, तो आंसर इज a:c = 9:10, फिनिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, If a:b = 3:5 and b:c = 10:13, find a:b = c। आपको अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि a, b, c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग पैटर्न रहेगा, a:b = 3:5, नेक्स्ट इज b:c, तो आप क्या करेंगे, b के नीचे ही b लिखिए, b:c = b की वैल्यू 10 और यहाँ इस b की वैल्यू 5, तो 5 के नीचे 10:13। अब आपको फाइंड क्या करना था, a is to
बी इज टू सी इक्वल्स टू, आप अब क्या करेंगे, नीचे जो ए है बी है इसकी वैल्यू ऊपर कर दीजिए दोनों में, 30 10 30 इज टू 10 5 50 इज टू, ऊपर जो बी है उसकी मल्टीप्लाई नीचे सी में, 13 5 65। यस, अब देखिए जो मैंने सॉल्व कर रखा है वहाँ तक चलते हैं अब। यस, देन मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए तीनों नंबर्स किस टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, 5 से, तो 5 से डिवाइड करा, 5 6 30, 5 10 50 एंड 5 13 65। अगेन तीनों नंबर्स किसी टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, नो, तो यहीं आप स्टॉप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिवाइड 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित, कि कुणाल एंड मोहित, कुणाल और मोहित में हमें कुछ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं, 360 रुपीस को डिवाइड करना है कुणाल एंड मोहित में, और रेशो है 7:8। तो कुणाल एंड मोहित, कुणाल एंड मोहित का रेशो क्या है आपका, 7:8। हम क्या करेंगे, पहले सम कर देंगे, अभी ने सम कर दीजिए, 7 + 8 इक्वल्स टू 15, और टोटल रुपीस कितना है आपका, टोटल रुपीस इज 360। तो आप इसी को राइट डाउन करेंगे, पहले टोटल रुपीस इज 360 एंड सम ऑफ देखिए 7 + 8 इक्वल्स टू 15। अब कुणाल, कुणाल का शेयर देखिए, कुणाल शेयर की कुणाल को कितने रुपीस रिसीव होंगे, कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने के थे हमें, 360 मल्टीप्लाई फर्स्ट 7/15 जो भी आपका इसका एडिशन आया था, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 30, 5 4 60, तो 24 × 7 आउटकम से 168। देन मोहित शेयर, मोहित का टोटल रुपीस है हमारे पास 360 × 8/15। सेम पैटर्न से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, 24 × 8 इज 192। आपको आज जहाँ तक ही क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए, और अब आपको अपनी नोटबुक में जो सॉल्व करने हैं वो एक्सरसाइज 8A क्वेश्चंस 1-9 सॉल्व करके रखने हैं, जिन्हें मैं कल आपकी क्लास में और चेक देखूंगा कि किन स्टूडेंट्स ने सॉल्व करे हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक डी सब्सक्राइब, थैंक यू।